इस यात्रा का मुख्य मकसद हर घर तक तिरंगा पहुंचाना और हर घर की छत पर तिरंगा फहराना है। इस मौके पर मोटरसाइकिल जुलूस भी निकाला गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर शहर का भ्रमण किया, जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। बीजेपी की तिरंगा यात्रा जो है पूरे शहर भर में भ्रमण कर रही है और ये जरा देखिए बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बड़े संख्या में यहाँ पे जो मोटरसाइकिल से तमाम जो कार्यकर्ता है, महिला है, पुरुष है, सबके सब लोग यहाँ से निकले हैं हाथों में तिरंगा लेकर और यहाँ पे देशभक्ति गानों के साथ ये पूरा काफिला युवाओं की आगे जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पे तमाम लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए और एक ढंग से कहे कि पूरे पटना का जो है वो भ्रमण करेंगे और सीधा जो शहीद स्मारक है सप्तमूर्ति वहां तक पहुंचेंगे और ये यात्रा शुरुआत होगी। ये यात्रा उन शहरों में घुमाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि शहर भर के लोग इससे जुड़े और अपने अपने घर पे तिरंगा को जरूर फहराएं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। अमृत उद्यान यानी देश के राष्ट्रपति के घर का बागीचा आम जनता के लिए खुलने वाला है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज आम जनता के लिए 16 अगस्त से खुल जाएगा। अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक खुला रहेगा और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पहली बार विशेष रूप से इसे खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा और साथ ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर अमृत उद्यान शिक्षकों के लिए भी आरक्षित रहेगा। अमृत उद्यान में आम लोगों का प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट और गेट नंबर 35 के बाहर स्थित क्योस से अमृत उद्यान में प्रवेश की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान दो बार आम जनता के लिए खोला जाता है, एक बार फरवरी से मार्च के बीच सर्दियों में यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं और दूसरी बार मानसून में इसे जनता के लिए खोला जाता है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आम जनता के लिए खुलने जा रहा है। 16 अगस्त से इसे खोला जाएगा। साल में दो बार इसे खोला जाता है, एक मॉनसून में और एक विंटर्स में। वैसे तो यहाँ पर काफी कुछ खास रहता है लेकिन इस बार जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन काफी कुछ होने वाला है। सीधा बातचीत करेंगे अमृत उद्यान के इंचार्ज अवनीश बंसवाल जी से। जैसे मैंने कहा काफी कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो रहता ही है लेकिन इस बार क्या कुछ खास है आम जनता के लिए? इसको 16 अगस्त से खोला जा रहा है, एक महीने के लिए क्या कुछ अट्रैक्शन रहने वाला है? अमृत उद्यान जैसे कि हम जानते हैं कि 16 अगस्त से खुलने वाला है और अमृत उद्यान के अंदर सभी के लिए कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे हम लोग गार्डन्स की बात करते हैं, जो गार्डन्स हम लोग जो खोल रहे हैं वो समर सीजन का है। समर सीजन में हम लोगों ने जो प्लांट सिलेक्शन किया है, जो स्पेशल सिलेक्शन रहेगा वो 37 स्पीशीज का रहता है जो हमने किया है और जो कि बाय नेचर बाय हार्डी है और हार्डी होने के साथ जो विंटर जो हमारा दिल्ली का हार्ड टेम्परेचर रहता है उसमें बहुत वो ईजिली सर्वाइव करते हैं। उसकी वजह से अब अट्रैक्शन की बात की तो स्पेशल बच्चों के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है इस बार। तो जैसे हम लोग गेट नंबर 35 से अगर हम लोग एंटर करते हैं, जो फर्स्ट पार्क आता है वो बच्चों के लिए है जिसको हम लोग बालवाटिका बोल रहे हैं। बालवाटिका के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको बच्चे देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, जिसमें बच्चों के लिए झूले भी रहेगा, ट्री हाउस भी बच्चों के लिए है जिसमें बच्चों के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टॉकिंग ट्यूब्स भी वहाँ बच्चों के लिए है। उसके बाद कुछ आउटडोर एक्टिविटीज भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बच्चों के लिए डिस्प्ले में वहाँ कर लगाए गए हैं और छोटे बच्चों के खेलने के लिए अबेस्कस और जैसी चीजें भी वहाँ पे आपने को देखने बच्चों के लिए तो काफी कुछ है। लेकिन पिछले साल हमने देखा था टीचर्स के लिए जो है रिजर्व किया गया था लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इस बार जो है खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। जैसे आपने बताया कि पिछली बार हमने टीचर्स के लिए किया था, इसे दो तीन हमारे स्पेशल डेज रहेंगे जिसमें टीचर्स के लिए तो हम लोग कर रहे हैं। इस बार हम स्पोर्ट्स के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोग साई से जुड़े हुए हैं, जिस इंस्ट जुड़े हैं, हम लोग उनको इनवाइट किया है ताकि वो स्पेशल डे पर वो यहाँ पर आए। देखिए आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि बताया जा रहा था इस बार क्या कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है, तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हम आपको फाउंटेन्स के बारे में बता रहे थे और बताया जा रहा था कि इस बार क्या कुछ जो है वो खास होने वाला है, तो बच्चों के लिए काफी कुछ खास है और इस बार जो है वो खिलाड़ियों के लिए भी एक जो डे है उसको रिजर्व किया गया है। तो आप खूबसूरती देख सकते हैं कि ये जो आकर्षण का केंद्र जिसको कहा जाता है या ये कह लीजिए कि राष्ट्रपति के घर का जो बगीचा है वो आम जनता के लिए अब खुलने जा रहा है। एक महीने तक आम जनता यहाँ आ सकती है। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप कभी भी अमृत उद्यान नहीं आए हैं तो ये मौका आपके लिए भी खास है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।